हाँ भाई, क्या दिक्कत हो गई है? पूरे गांव में भाई दिखनी चाहिए आज। I don't wanna stay here now. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भाई। 5 मार्च 2022 मैं हूँ अभी गुड़गांव में। असल में बहुत दिन थे ना, पापा कह रहे थे कि KFC लेकर आ। तो ऐसी दिन ब दिन डिले होती जा रही थी वो चीज़। कभी ट्यूसडे आ जाता था, कभी थर्सडे आ जाता था। तो आज संडे है, उनका आज खाते हैं जम के। साथ में पार्थ और मामा भी जा रहे। चले जी, हम जा रहे हैं बेटा अपनी टाटा में, टाटा टियागो। बैठ जा भाई, तू आगे बैठ जा। मैंने गूगल पे देखा KFC सेक्टर 14 की मार्केट में दिखा रहा है। मैंने कहा मैं तो इतनी बार जा चुका भाई वहाँ पे, मैंने आज तक देखा नहीं KFC। तो चलते हैं, देखते हैं, अगर भाई मिल गया तो ठीक है, वरना फिर MGF मॉल जाना पड़ेगा। पहुंच गए भाई सेक्टर 14 की मार्केट में, और सही में यार यहाँ पे तो KFC है, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया था। तो तू यहीं पे रहियो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ फटाफट। चलने की अगर जिद करी गाड़ी में बैठ के और छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, डील है, डील है, डील है। ले आए जी, ले आए गर्मा गर्म चिकन विंग्स और 2 चिकन बर्गर। तू तो चिकन खाता नहीं, इसने बर्गर तो मांगा था, बट मैं भूल गया कि ये चिकन नहीं खाता, तो मैं गलती से तेरा नॉन वेज ले आया, सॉरी। ओके, वो होंगे फ्रेंच फ्राइज। ये बर्गर है ना, दो है, एक तुम खा लो, ये केशव ने खाना है। खाएगा ब्रूनो चिकन? देना इसको भी, दिखाना कैसा लग रहा है। KFC खाएगा ब्रूनो? ओए 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 ओए, गया। बाय पार्थ, आज रुक नहीं रहा तू हमारे घर है पार्थ। संडे खत्म, घर वापस, कल से ट्यूशन है ना? रुकना वैसे, दे दी कह रहा रुकना है। बाय बाय पार्थ, बाय बाय, भागो हमारे घर से, भागो हमारे घर से, भागो 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 भागो। The next morning. Finally भाई आज इसमें CNG भी डलवाई लेते हैं। इतने दिन से पेट्रोल पे चला रहा था, मतलब फायदा क्या हुआ CNG लेने का, है ना, अगर पेट्रोल में चलानी है। क्यों पा, यहाँ के प्रेशर के हिसाब से देखते हैं कितनी आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है 7.5 किलो में हो जाएगी फुल। क्या बात है भाई, सब 8.75 kg आ गई 580 रुपए की। चलो जी चलते हैं, रुको सीट बेल्ट लगा लूं। इस गाड़ी में ना यार एक्चुअल में पता ही नहीं चलता, मतलब CNG में चल रही है पेट्रोल में, क्योंकि पावर ना बिल्कुल सेम आती है। देखो अभी मैं पेट्रोल पे चला के लाया तो वही सेम पावर यहाँ पे CNG में, बट एक पता नहीं ये क्या निशान आ रहा है, देखो कट का। मुझे ऐसा लग रहा है सर्विसिंग का निशान है, क्योंकि 1300 किलोमीटर चल चुकी है और 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होनी थी। तो जहां तक मुझे लग रहा है वो तो सर्विस का ही है, बाकी देखते हैं, कल परसों में दे दूंगा इसको। आज भाई टाइम नहीं है बिल्कुल भी, पहले तो मैं जा रहा हूँ वो नीचे बेसमेंट के लिए जो PVC पैनल्स थे ना उनका डिजाइन फाइनल करने के लिए। लो जी भाई भी आ गए अपने घर पे, बड़े दिन बाद यूट्यूब पे तो दर्शन दिए ही है थोड़े दिन पहले है। आते ही कह रहे कि भाई ने ना पूछा नहीं क्यों छोड़ा, मैंने कहा अब तो आ गए यूट्यूब पे अब क्यों पूछना। अच्छा भाई इधर बैठो एक बार, पहले अपना वो बताओ स्टैंड अप का क्या सीन चल रहा है इसको। ओए ओए ओए, देखो भाई ने बहुत ये कितना बदमाश इंसान है, अभी इसने मुझसे ऑफ कैमरा ही पूछा, अभी मुझसे ऑन कैमरा ही पूछा। ऑडियंस के लिए थोड़ा बहुत जो बताने लायक है चीजें भाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार कुछ महीने और, अच्छा कुछ महीने और लगेंगे अपने सेट पे काम चल रहा है। तुम जानते हो जो सेट होता है, तुमने लिखा होता है उस सेट पे काम चल रहा है, थोड़ा मतलब बेहतरीन, डबल मीनिंग जोक्स भी काफी ज्यादा है कुछ। हाँ। अपनी जो जनता, जैसे मेरी जनता कैसी है, फुल गलत। हाँ। तो फुल गलत जोक्स भी है इसमें। अच्छा। तो टाइम रहेगा, बाकी मैं अनमोल को बता दूंगा, अनमोल तुम लोग को जरूर बता देगा। और अगर ये क्लिप कटी मैं खुद आऊंगा भाई, खुद ही आऊंगा, तो गुड़गांव में आधे से ज्यादा शो रहते हैं तो आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, जल्दी जल्दी होगा सब कुछ और सबको पता लग ही जाएगा। थैंक्स अनमोल को, अनमोल ने अनमोल गैराज चैनल बनाया है। हाँ, आज भाई अपनी गाड़ी लाए है XUV300, तो उसका रिव्यू आएगा नए वाले चैनल पे प्रॉपर, है ना। ये सारे तेरे शौक है ऐसे गाड़ियों के या फिर कुछ और बड़ी चीज लेनी है जीवन में? नहीं नहीं, पहले शौक नहीं था, बट ये 1.5 साल से जब से खुद लेना शुरू किया ना तब से शौक चढ़ गया भाई। मतलब 1.5 साल पहले तो नॉलेज भी नहीं थी मुझे कि कौन सा मॉडल होता है, क्या गाड़ी आती है, तो ये 1.5 साल में ज्यादा नॉलेज दिया गया 1.5 साल में, मैं बता रहा हूं इसको नहीं थी। और धीरे से हमने आते जो गैराज देखा इसका भाई साहब, मैं बता रहा हूँ हायाबुसा ना बस हवा है, हायाबुसा जब तुम पहली बार 1250 को तुम सामने देख लो एक बार भाई, वो जो लुक देता है ना, ओए ओए ओए। यही बात मैं अपनी वीडियो में भी बोलता हूँ कि वीडियो में काफी लोग कहते हैं बड़ी लगती है, बट एक्चुअल में पता नहीं चलता कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी सामने है। देखो जब पता चलता है बाइक का, मैं बोल रहा हूँ सोचो। अरे हाँ, हाइट का भी देखो ना भाई, बड़ा मैं सा तो इंसान बोल रहा है नहीं, भाई के व्लॉग में ना एंगल रहता है यूं ज्यादातर, तो हाइट का पता नहीं चलता। अब मैंने पहली बार मिला हूं ना सामने, जब देखने को मिली भाई हाइट, पहली बार पता लगा लिया कि मैं यूं ही, हाँ ऐसी रहती है उसमें, हाइट का पता नहीं चलता। अब सामने देखो ना भाई साहब, लंबी हाइट है, क्या क्या हाइट है भाई, 6'3" भाई साहब, याद होगी मैं कुछ भी पूछता हूँ।
चलो भाई चलते हैं, फटाफट शूट करते हैं अपने फेवरेट ग्राउंड लेजर वैली, वहीं पे ही अच्छा सा स्पॉट है, मस्त गाड़ी लगा के प्रॉपर रिव्यू वीडियो हो जाएगी। दे दोगे ना थोड़ा ज्ञान वीडियो में गाड़ी से रिलेटेड? भाई तुम्हारे सामने दे गया तुम्हारा है ना, ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस, मैं तो तुम्हारा एक्सपीरियंस पूछूंगा। कितने, एक साल हो गया लिए हुए? अप्रैल में ली थी ना शायद पिछले साल। हाँ यार, एक साल तो हो गया। हाँ तो एक साल में पता चल जाता है गाड़ी का। बाकी भाई अपनी एक बार थार चला के देख रहे, चलाइए वैसे थार पहले? आया, थार नहीं चलाई ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो चलाई होगी पहले? चलो आ जाओ। बस ऑटोमेटिक में ये लेफ्ट पैर का यूज नहीं करना, क्योंकि मैनुअल वालों को लेफ्ट पैर की आदत होती है, तो लेफ्ट पैर अपना समझ लो डेड है इस तरह से। राइट से ही होगा ब्रेक और वो सब। अच्छा बस और ये चाबी है इसमें भाई साहब, ये आपकी वाली टॉप मॉडल नहीं है, मतलब टॉप मॉडल क्या थार में आता ही नहीं है पुश बटन, तो चाबी लगा के ही ऑन करनी पड़ेगी। चाबी होगा क्या? पुश बटन नहीं है इसमें। ओ तेरी लाइटिंग अच्छी है यार, ये अभी करवाई है थोड़े दिन, मतलब इसका म्यूजिक सुनना, अभी म्यूजिक लगवाया इसमें तगड़ा, तो ड्राइविंग क्लास का व्लॉग बन गया। ऐसा ड्राइविंग स्कूल पे चलता हूं यार, सही में थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में ट्रिकी तो हो जाता है यार ये। मैंने भी जब मैं पहले ना सेंट्रो चलाता था मैनुअल, तब मैंने क्रेटा ली ना ऑटोमेटिक, तब थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आई थी एक बार की, बट उसके बाद सही हो गया था। थोड़े 2-4 किलोमीटर का ही सीन रहता है, उसके बाद सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रेस दूँ क्या? नहीं नहीं ब्रेक दो खाली, रेस मत देना। अच्छा रेस दोगे तो भागेगी एकदम। अच्छा। ब्रेक छोड़ने पे चल जाएगी ये 20-25-30 की स्पीड में। अच्छा इतनी पावर है? हाँ हाँ चल जाएगी। ओके अब यहाँ पे रेस देते हैं फिर। हाँ जहाँ पे थोड़ी स्पीड देनी है रेस करते हैं ना इनके बीच में गलत। बस ब्रेक राइट पैर से मारना, लेफ्ट से नहीं। ठीक है भाई, इनकी पहले तो मैं गेम तोड़ू दूंगे। उड़ाना नहीं है भाई साहब, है ना, मजेदार है चलाने में। बैठा हूँ फुल, ऐसा लग रहा है कि हाँ सही सही। देखो ये वाली गाड़ी है भाई के पास, महिंद्रा की XUV300WA टॉप वेरिएंट सनरूफ के साथ जो आता है, तो इसकी वीडियो बनाने वाले हैं भाई हम नए चैनल के लिए। प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू हो जाएगा इसमें, एक साल हो गया क्योंकि भाई को ओन करते हुए। भाई यार ये मुझे ऐसी जगह लेके आ गया, देखो गुड़गांव के सारे लोंडे डपाड़े यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। और क्रिकेट हम लड़ते ज्यादा है यार, हम भी लड़ते थे खेलते हुए ना, तुम नहीं लड़ते थे दिल्ली वाले? तो आज संडे है ना भाई, हमें ध्यान नहीं रहा इसलिए भीड़ बहुत है, तो ड्रैग रेस का तो प्लान शायद कैंसिल ही लग रहा है, बाकी ट्राई करेंगे कहीं जगह मिल जाए। A few minutes later गाड़ी का शूट हो चुका है भाई, और मतलब मैं ना बूट स्पेस की बात बता रहा था वीडियो में, और जैसे ही भाई डिक्की खोली तो अंदर हो किसिंग, मेरी हंसी छूट गई भाई, ये क्या सीन है। ऐसा लग रहा था देखो गुड़गांव का तो ये है, गुड़गांव वाली पूरी वाइब मेरी गाड़ी से आ गई, प्रॉपर ठंडा ठंडा तो ले रखा है कि कोई भी दिक्कत हो अनमोल भाई बताओ फोन करो एक बार, गाड़ी वही है होगी उसकी क्या दिक्कत है, मतलब कभी भी फुल गलत कुछ सीन हो तो स्टिक रेडी है भाई पेलने के लिए। बस भाई मैं देखो मैं तो मेन हुई, लेकिन जो मेरी बैक है धीरज भाई, ठीक है मैं धीरज भाई के नाम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे अंदर कुछ नहीं भाई हॉकी स्टिक। अच्छा मेन चीज किसकी, तुमने पूछा नहीं हॉकी स्टिक किसकी है? धीरज भाई की है। धीरज भाई हॉकी स्टिक किसकी है? धीरज के भाई की है। यहाँ पूरी बात कंप्लीट होती तो पूरा सर्कल चल रहा है। हाँ भाई क्या दिक्कत होगी है, गुड़गांव में भाई दिख नहीं जाना चाहिए आपके पास भाई, ये तो मैं बता रहा हूँ वीडियो होती है तो करेक्टर मैं है, इसको लगता है गुस्सा भरा होता। हाँ भाई मास्टर मैटर क्या, मैं यार क्या तू ऐसा कैसे मॉडल है, लेकिन देखो यार मेन क्या है मजा आ गया भाई से मिलके, ठीक है बहुत भाई, मतलब प्लान तो हमारा कब से बन रहा है, बहुत टाइम पहले से बात कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं, बस आज मौका मिला तो हम बढ़िया से मतलब बातचीत तो होती रहती है वैसे। सही है भाई, केशव से ही मिला मैं, धीरज निकलता था मेरे मुझसे नहीं भाई अंदर घुसे ना घर के सबसे पहली चीज यही थी कि धीरज का है, दूसरा धीरज का है क्योंकि केशव भाई को मैं बोलता हूँ दूसरा धीरज, ठीक है तो अभी भाई ढूंढते हैं कहीं पे रोड ड्रैग रेस के लिए खाली मिल जाए, क्योंकि संडे है इसलिए दिक्कत हो सकती है, नहीं मिली तो कोई नहीं वैसी गेड़ी लगा लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो जी मैं भाई की गाड़ी चला रहा हूँ ये वाली, और भाई मेरी थार चलाएंगे, ठोकनी नहीं है लेकिन नहीं हॉकी वैसे उसमें सूट भी करेगा, थार में हॉकी रख रहे हो। चलो भाई चले, गाड़ी तो मजेदार है भाई, ये चलाई थी मैंने अभी, चलाने में भी मजेदार है, बट आपको इस चैनल पे कंटेंट नहीं दूंगा गाड़ियों का, वरना फिर लोग शुरू हो जाएंगे कि गाड़ी गाड़ी करता रहता, तो आप वो नया चैनल देखना भाई। तो भाई दोनों स्पोर्ट जो थे वो हो नहीं पाएगा, यहाँ ज्यादा बसेस खड़ी है, और दूसरी जो रोड खाली रहती थी वहाँ भी भीड़ है और पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो इसलिए ड्रैग रेस तो नहीं हो रही, नॉर्मल कंटेंट देखते हैं भाई, कहीं पे कुछ छूट हो जाएगा तो चलो, बट मजा आ रहा है भाई ये गाड़ी चलाने का। कैसा लगा भाई थार चला के, मजे आए?
भाई धार चला के मजा आया, लेकिन मेन तो तुझसे मिलके मजा आया। वो एक होता है ना काफी टाइम के पहली बार ही अपन इतने अच्छे से मिल रहे हैं, और बातें तो चलती रहती थी अपनी, है ना। तो भाई का जब स्टैंड अप आएगा अपन जाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे। अंदर तो शूट अलाउड नहीं करेंगे वो, बट ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन ऐसा ना भाइयों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि बन रहे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भाई, जब ब्लॉग छोड़े हैं इतने महीने तो भाई कुछ तो आना चाहिए ना। अच्छा मेहनत चला, ठीक है धीरज भाई, मिलते हैं कभी आगे जाके फ्यूचर में। बाकी भाई निकल रहे, मैं तो कह रहा हूँ रुक के जाओ थोड़ा। चिकन तो खाते हो ना आप भाई? चिकन भी नेक्स्ट टाइम खाते। तो आज मैं खिलाता रात को गुड़गांव का, इतना मस्त आप जा रहे हो। हाँ रुक जाओ, मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम यार, मुझे पड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, चलेंगे यहाँ और प्लान भी करेंगे मिनी बाइक्स को लेके ना कुछ, है ना। ठीक है जी, चलो जी, ओके बाय बाय। चलो भैया चलते हैं घर, और इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। भाई बहुत लंबा खींच गया, 3 दिन का ब्लॉग खींच दिया मैंने लगभग। ठीक है जी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। Someday we will look back.